प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉच ट्रैकर एप्लीकेशंस क्या है और आप इस एप्लीकेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इस एप्लीकेशंस की मैं आप कैसे ओके फिर से हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉच ट्रैकर एप्लीकेशंस क्या है और आप इस एप्लीकेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए आपके बता दूं, आप इस एप्लीकेशंस की मदद से आपके पास यदि कोई भी नंबर है, कोई भी मोबाइल नंबर है, तो उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं कि वो कब ऑनलाइन होता है, कब ऑफलाइन होती है, या फिर जो है आपके कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप पता लगा सकते हैं इस एप्लीकेशंस की मदद से कि कब वो ऑनलाइन होता है, कब वो ऑफलाइन होता है। और भी बहुत सारी इसमें आपको फंक्शंस मिल जाएंगे जिसका कि आप इस्तेमाल करके इस एप्लीकेशंस की मदद से और भी बहुत कुछ अपने रिलेटिव के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको एप्लीकेशंस को कैसे यूज करनी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस को ओपन कर लेनी है। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अलाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐड दिखाई जाएंगे। ये सारे कि इस सारे के ऊपर आपको क्लिक नहीं करनी है। यहाँ जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है एरो का, आपको इस एरो की आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस स्टार्ट के ऊपर क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक वॉच ट्रैकर, एक व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। तो यदि आप अपनी व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप का स्टेटस को सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको व्हाट्स ट्रैकर के ऊपर क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे जो है जो भी आपको नेम टाइप करनी है, जैसे कि कोई आपके जीएफ है तो यहाँ पे आपको जीएफ लिख देनी है। और यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर लिखनी है, वो मोबाइल नंबर लिखनी है जिसे कि आप ट्रैक करना चाहते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ ट्रैक। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कि मैंने इंडिया सेलेक्ट करके रखी हुई है, यदि आप भी इंडिया सेलेक्ट नहीं किए तो यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट की नहीं रहती है, आपको यहाँ से करनी होती है। यहाँ पर आपको टाइप कर लेनी है इंडिया। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेनी है 91। यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिया ऐसे ही नंबर। यूजर नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है कि मैं ऑनलाइन कब हुआ था और यहाँ पे ऑफलाइन कब हुआ था। ये 100% सही है, मैंने जो भी देखा ये मैं खुद का ही दूसरा नंबर दिया हूँ, जिससे कि मुझे पता चल रहा है साफ साफ कि मैं ऑनलाइन कब गया था और ऑफलाइन कब हुआ। तो ये जो है एप्लीकेशंस आपको बिल्कुल सही बताती है। इसी तरीके से आप भी पता लगा सकते हैं अपनी जीएफ के बारे में या फिर अपनी बीएफ के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे आपको एक प्लस का भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यदि आप इस प्लस के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है फिर से आप दूसरे को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।